बट ऊपर करने के लिए नीचे से आप ऊपर करते हैं ना तो स्मूथली गियर जो है वो चेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं गियर चेंज कर रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही अनफॉर्मेटिव आना आप सभी लोगों के लिए। ये है माइलेज से रिलेटेड, ये है आपके राइडिंग स्टाइल से रिलेटेड और गियर शिफ्टिंग जो कि मेन प्रॉब्लम होता है माइलेज ड्रॉपिंग का और इंजन ड्यूरेबिलिटी के लिए आपके गियर बॉक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं। पहले हम बात करने वाले हैं गियर शिफ्टिंग के बारे में, कौन से स्पीड में कौन सा गियर होना चाहिए, कैसे गियर शिफ्ट करते हैं प्रॉपरली वो बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स आपका वेट कर रही हैं। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि वो आप तक पहुंच सके गियर शिफ्टिंग के बारे में, जो कि एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग राइडिंग तो जानते हैं बट परफेक्ट राइडिंग किसको बोलते हैं, आप अपनी मैचिंग कर सकते हैं जो राइडर हैं एंड जो न्यू राइडर हैं, दोनों के लिए इंफॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, अगर मैं गियर शिफ्टिंग के बारे में बात करूं तो अगर मैं स्पीड रेंज के बारे में बात करूं कि कौन से गियर में क्या स्पीड रेंज है, तो फर्स्ट जो फर्स्ट गियर होता है वो 10 टू 20 के आसपास में फर्स्ट गियर की कैपेसिटी होती है। देन उसके बाद 20 टू 30 सेकेंड गियर एंड 30 टू 40 थर्ड गियर, 40 टू 60 तक फोर्थ गियर में आप चला सकते हो एंड 60 प्लस आपको जो है मतलब 55 टू 60 प्लस आपको लेके जाना पड़ता है फिफ्थ गियर पे। तो वैसे ही सेम आपको डाउन भी करना है, ठीक है, उसी गियर में आपको डाउन भी करना है एंड हैवी रेज ज्यादा जल्दी रेज देके, तो उसमें आपका जो फ्यूल है वो ज्यादा जाता है। आप फर्स्ट गियर में ही कम से कम 30 तक लेके जा रहे हैं, ज्यादा थ्रॉटल दे रहे हैं, ज्यादा खींच रहे हैं, उससे फ्यूल बर्निंग ज्यादा होता है, पावर ज्यादा नहीं मिलता आपको, टॉर्क अच्छा मिलेगा बट आप जो आप डिस्टेंस है वो कम कवर करेंगे तो उसके वजह से माइलेज ड्रॉपिंग बहुत होता है। बट अब हम देखते हैं कि इसका आपका एक्चुअल में तरीका कैसे है गियर चेंज करने का। तो क्लोज करता हूं, मैं दिखाता हूं आपको। दोस्तों, गियर जो है ये दो आगे पीछे का दिया होता है, एक नीचे और बाकी चार जो होते हैं ऊपर होते हैं, तो एक नीचे तो कॉमन रहेगा बट ऊपर करने के लिए नीचे से आप ऊपर करते हैं ना तो स्मूथली गियर जो है वो चेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं गियर चेंज कर रहा हूं एंड आपको साउंड बहुत ही ज्यादा कम आ रही होगी, बहुत ही ज्यादा कम, तो वैसा ही होता है। अगर आप कोई भी चीज पीछे से करेंगे तो गियर की आवाज ज्यादा आती है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि आप नीचे से ऊपर उठाइए एंड सेम जो डाउन है वो इस तरह से करिए तो गियर का टक 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 जो साउंड है ना वो ज्यादा नहीं आएगा। एंड कभी भी गियर को ऐसे या ऐसे कट देने मारने की कोशिश ना करिए, गियर जो है वो मिस कर जाता है तो आपके गियर में थोड़े टाइम बाद साउंड ज्यादा आने लग जाता है। तो ऑलवेज डाउन का तो सेम है प्रोसीजर एंड नीचे उठाने के लिए नीचे से उठाइए, ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। अगर पीछे से उठाना भी है तो स्मूथली पीछे से करिए, ठीक है, ज्यादा कटक कटक ऐसे गियर ना डालें, ठीक है, आपकी जो इंजन के जो गियर बॉक्स की लाइफ है वो शॉर्ट हो सकती है। जैसे कि आपने देखा गियर को शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा टेक्निक का है। जब भी आप गियर देते हैं तो फर्स्ट नीचे एंड बाकी ऊपर नीचे से आप लेंगे तो थोड़ा स्मूथली गियर वर्क करता है। पीछे से लेने में थोड़ा सा जो साउंड है मैंने खुद नोटिस किया, जब मैं बूट पहनता हूँ, जब बूट होते हैं तो नीचे से करना थोड़ा मुश्किल होता है, जब हम पीछे से करते हैं उसके बाद तो कटक कटक जो साउंड है जो गियर में से आती है वो ज़्यादा आती है। एंड सेयर जो ये गियर का जो पिन देख रहे हैं, पिन अपोजिट साइड राइट साइड में जाता है एंड वहाँ पर दो पिन रहता है। आप जब उसमें बीच में एक ऐसा लीवर टाइप होता है जो बीच में वर्क करता है, ज़्यादा प्रेशर से आप जब गियर चेंज करते हैं तो वो लीवर जो है वो बीच में से निकल के मिस हो जाता है तो कभी कभी गियर वर्क नहीं करता है। तो उस तरह के वर्क ना करें, हार्ड जो है आगे से गियर शिफ्ट ना करें एंड जो मैंने स्पीड रेंज बोली उसको मेंटेन करते हैं तो आपका जो एवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एंड बोला जाता है कि अगर आप फोर्थ फिफ्थ गियर के आसपास चलाते हैं ना, मतलब फोर्थ मतलब 50, 60, 70, 80 इसके आसपास आप चलाते हैं ना तो आपको एवरेज अच्छी ही मिलेगी। बड़े गियर्स में आपको अच्छी एवरेज मिलती है क्योंकि आपको एफर्ट कम देना होता है। मान सकता हूँ कि सिटी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए सिटी का एवरेज और एक्चुअल हाईवे का एवरेज इसलिए डिफर होता है क्योंकि आप हाईवे पे कंटिन्यू स्पीड में चला रहे होते हैं, क्लच कम दबा रहे होते हैं, ब्रेकिंग कम कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रफ ड्राइविंग से एवरेज कभी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, इस तरह से फॉर्मेट यूज नहीं कर रहे हैं तो एवरेज आपको आइडल नहीं मिल पाएगी। जैसे मेरी एवरेज जो है वो 38, 39, 40, 41 इन सब के आसपास घूमती रहती है। मैं रिजर्व टू रिजर्व कैलकुलेट करता हूँ, मेरा कैलकुलेशन का तरीका है, बहुत लोग यही पूछते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो होगी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, देखते रहिए बुलेट गुरु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा, वहां पर मैक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इस
वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैंने मैक्सिमम क्वेरीज को सॉल्व करने की ट्राई की हुई है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हैं तो ये चैनल है। बाय।